प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित गोवा मुक्ति दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों और दिग्गजों को सम्मानित किया। हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत की याद दिलाता है, जिसने गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना के जवानों की वीरता को याद करते हुए कहा कि उनकी बहादुरी को हर साल याद किया जाएगा। आज पुनर्निर्मित किले, अगुवाड़ा जेल संग्रहालय, मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, दक्षिण गोवा जिला अस्पताल और डावरलिम के गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन का लोकार्पण भी हुआ है। गोवा मेडिकल कॉलेज और मोपा हवाई अड्डे पर विमानन कौशल विकास केंद्र की शुरुआत भी आज से हो गई है। मैं आप सभी को भी इन उपलब्धियों के लिए, इन विकास परियोजनाओं के लिए अनेक अनेक बधाई देता हूं। अमृत महोत्सव में देश ने हर एक देशवासी से सबका प्रयास का आह्वान किया है। गोवा का मुक्ति संग्राम इस मंत्र का एक बड़ा उदाहरण है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गोवा में विकास की कई परियोजनाएं लोगों को समर्पित की तथा 650 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।